आज मैं बनाऊंगी आलू की क्रिस्पी कतली, जो खाने में बहुत ही डिलीशियस होती है और बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाती है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो यहाँ पे हमने 4 से 5 मीडियम साइज के आलू ले लिए थे और उसको अच्छी तरह से साफ कर ली थी, और यहाँ पे हमने गोल गोल स्लाइस में कट कर ली हूँ। इस तरह से बिल्कुल पतला पतला कट कर लेना है। मैं एक आलू कट करके दिखा रही हूँ यहाँ पे। तो ऐसे ही इसको काट लेना है। और इधर हमने गैस पे कढ़ाई को रख दी है और इसमें मैं डाली हूँ 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल, और तेल अच्छे से गर्म होने दूंगी। तो यहाँ पे तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है, तो इसमें मैं डाली हूँ 1 चम्मच जीरा, और जीरा को अच्छी तरह से भून जाने दूंगी। तो यहाँ पे जीरा भून चुका है। यहाँ पे हमने गैस के फ्लेम को हाई पे रखा है, क्योंकि आलू को बिल्कुल क्रिस्पी कतली इसकी फ्राई करनी है। और इसी के साथ मैं इसमें आलू को डाल रही हूँ, और ऐसे ही हाई फ्लेम पे चलाते हुए इसको बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी। तो हमने यहाँ पे जला लिया है और थोड़ी देर के लिए इसको ढक दूँगी, बीच बीच में चेक करती रहूँगी। तो हमने यहाँ पे चेक किया है, और ऐसे ही चलाते हुए इसको पका लूँगी, फ्राई कर लूँगी बिल्कुल क्रिस्पी। आराम से चलाना है और गैस के फ्लेम को हाई रखना है, नहीं तो आलू टूट सकता है, तो इसका ध्यान रखें। और इसमें मैं इसी के साथ डाली 1 चम्मच हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच मैं यहाँ पे डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च। इसे कलर बहुत अच्छा आता है और आलू का टेस्ट भी बहुत डिलीशियस लगता है, तो इसलिए आप चाहें तो इसमें काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। और ऐसे ही चलाते हुए मैं इसको फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे आलू अच्छी तरह से बिल्कुल क्रिस्पी आलू की कतली फ्राई हो गई है। तो मैं यहाँ पे स्वाद के अनुसार नमक डाल रही हूँ, और थोड़ी देर तक इसके साथ और मैं इसको पका लूँगी। और अब मैं यहाँ पे डाली हूँ 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और उसी के साथ मैं डाली हूँ हरी धनिया। और यहाँ पे जो आलू की कतली है वो बिल्कुल ही गोल्डन ब्राउन हो गई है और क्रिस्पी हो गई है। तो अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूँगी, और आलू की कतली को प्लेट में निकाल लूँगी। तो यहाँ पे हमारी आलू की क्रिस्पी कतली बनके तैयार है। तो आई होप कि आप सभी को ये रेसिपी अच्छी लगेगी, और आप सभी भी ज़रूर ट्राई करेंगे। तो मैं यहाँ पे प्लेटिंग कर रही हूँ, और हमने यहाँ पे हरी धनिया से गार्निश किया है। तो आलू की कतली बनके तैयार है, खाने में बहुत ही डिलीशियस।